हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आपके आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो थंबनेल पर देखा ही होगा कि 749 वाला रिचार्ज फ्री में मिल रहा है आप लोगों को। वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन है 22 तारीख को। तो उसी खुशी में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को रिचार्ज फ्री में दे रहे हैं। ये व्हाट्सएप SMS बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ये व्हाट्सएप SMS मुझे आया तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या ये रिचार्ज मिलता है हम लोगों को कि नहीं, तो वीडियो के अंत तक देखते रहना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि मैंने राम मंदिर से रिलेटेड दो वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया है लेटेस्ट स्कैम के बारे में जो कि राम मंदिर के नाम से चल रहा है। और ये तीसरा वीडियो है मेरे राम मंदिर के नाम से स्कैम चल रहा है। तो वीडियो को इतना देखते रहना, आपको पूरा पता चलने वाला कि हम लोग रिचार्ज मिलता है कि नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग का क्या नुकसान हो सकता है इस SMS से यहाँ पर क्लिक करने से। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी रिचार्ज नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर इस लिंक पर आपने क्लिक कर दिया है तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है और आपको कॉल आएंगे और आप परेशान हो सकते हो और आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है इस लिंक पर क्लिक करने से। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप अपने नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद अपने नाम डालोगे और भी डिटेल्स डालोगे, जैसे एड्रेस और कुछ भी मांग सकता है। तो सारे डिटेल्स जो डालोगे वो उसके पास चला जा सकता है। ये हो गया पहला स्कैम इस लिंक के तरीके से कि वो आपका डेटा ले सकता है। और दूसरा स्कैम ये है कि अगर आपने उस लिंक पर क्लिक किया है तो आपके मोबाइल में वायरस भी आ सकता है और आपका फ़ोन हैक हो सकता है और आपके जो भी अकाउंट है फ़ोन पे जो भी हो वो सारे उसके पास चले जाएंगे। मतलब OTP ये सब उन लोग जो हैकर होगा वो आपके ले लेंगे और आपका अकाउंट खाली भी कर सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इस तरीके की लिंक इसलिए बनाया जाता है और राम मंदिर के नाम से इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि राम मंदिर एक ट्रेंड है। तो उसके नाम पर वो अपने वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सके, इसलिए इस तरीके से वो कर रहे होंगे शायद। लेकिन हाँ, आप लोगों को चौकन्ना रहना है क्योंकि इस तरीके से हैकिंग भी हो सकता है, आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है और आपके डेटा का गलत यूज भी हो सकता है। जो भी आप वहाँ पर फॉर्म फिल करोगे, आप नंबर डालोगे तो आपके पास गलत सलत मैसेज आएंगे और आपको कॉल करके परेशान भी किया जा सकता है। तो वहाँ कोई भी इस तरीके की लिंक आता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है क्योंकि इस तरीके के लिंक में वायरस होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो उस लिंक पर आपको नहीं क्लिक करना। जो भी इस तरीके के मैसेज आते हैं, लालच वाली मैसेजेस आते हैं, तो आपको लिंक पर क्लिक नहीं करना है। और एक चीज़ और कि जो राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसके नाम पर और भी स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। तो मैंने दो वीडियो बनाया, उस वीडियो को भी देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि राम मंदिर बनने के बाद भी इस तरीके का स्कैम चल सकते हैं। तो आप लोगों को सब करना रहना है, आपको धार्मिक में ज़्यादा नहीं डूबना है कि राम मंदिर के नाम से कोई भी स्कैम करके चला जाए। तो आपको बच के रहना है इस तरीके के स्कैम से। आपको उसी चीज़ पर यकीन करना है जो कि आप लोग जानते हो और इंटरनेट पर पहले से वो चीज़ डाला हुआ है उसके बारे में, तभी आप लोग को उस चीज़ पर विश्वास करना है। जो भी मतलब राम मंदिर के नाम से स्कैम चल रहे हो उसको एक बार जा करके इंटरनेट पर जरूर सर्च करना, कोई भी हो, फ्री वाला रिचार्ज हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो उसको इंटरनेट पर जा करके ज़रूर सर्च करना, उसके बाद ही क्लिक करना या फिर जो भी करने का ऑप्शन आता है, पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसको इंटरनेट पर एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना, आप लोग देख लेना उसने इंटरनेट पर ये चीज़ है भी या नहीं, तभी आपको उस पर यकीन करना है। हाँ फ्रेंड्स, मैंने स्कैम एंड फ्रॉड से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को देख लेना एक बार, तो आपका पूरा जो भी डाउट है स्कैम से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। और उस प्लेलिस्ट में लेटेस्ट स्कैम के बारे में मैंने बताया, तो उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लेना, आप पूरा सेफ हो जाओगे। तो आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।